नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कमल करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं प्रिय हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि बहुत जल्दी अपने डिसीजंस या प्लानिंग के अंदर भी आप चेंजेस करने वाले रहेंगे। यहाँ कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और बिजनेस करने के चांसेस भी इवन बहुत ज़्यादा ब्राइट ये कर देता है। इसके अंतर्गत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब देखें तो यहाँ लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, यानी इसका झुकाव कहीं भी नहीं है। तो उस कंडीशन में इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देखने के अंतर्गत आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और आपका जो लिटिल फिंगर है वो शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुंचा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा अफेक्टेड होता है। यानी अपने मन के अंदर बातों को दबाना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस करना, और ओवरऑल देखा जाए तो वर्क मैनेजमेंट थोड़ा डिस्टर्ब ये कर देता है। अगर आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेंगे तो आपके हर काम में फिर देरी या डिस्टर्बेंस फिर होने लगेगा, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होने लगेगा, खासकर पंचुअलिटी। तो इसीलिए जब तक एक काम पूरा ना हो जाए दूसरा काम हाथ में ना लें, तो हर काम में परफेक्शन के साथ ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। थर्ड फिंगर के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, जो आपको एक रिस्क टेकर बनाएगा। जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और रिस्क टेकिंग नेचर के अंतर्गत ये जो करेज व डिटर्मिनेशन है, यानी हिम्मत, हौसला, जुनून, ये बहुत अच्छा देता है। और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का कारक भी होता है, तो खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। जब थर्ड फिंगर के लेंथ लॉन्ग होती है तो आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखते हैं। इसलिए जितना बड़ा सोचेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना शुभ परिणाम जीवन में आएगा। आपका यहाँ पर सपना है 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा करने का, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बहुत तकलीफ में है आपके लिए ये बात नहीं है, बस यही रहेगा कि उस हिसाब से आपको तबीयत की मेहनत जो है यहाँ पर करनी पड़ेगी। यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर होता है। ईगो, एटीट्यूड, इस प्रकार का फॉर्मेशन आप जैसे जातकों में नहीं होता है, और कहीं ना कहीं फैमिली से उतना ज़्यादा सुख या सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। वहीं जो फिंगर के बीच में ऐसे गैप मेंटेन होता है, तो ये थोड़ा अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप्ड, क्लियर कट नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेते समय। जो आपके फैलेंजर्स हैं वो यहाँ पर डेवलप ठीक है, और जो इंटरनल मार्स है वो भी डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, स्टेमिना, एनर्जी, वो अच्छा देखने को मिलता है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में, बेकार की बातों में, लंबी बातों में आप जैसे जातक नहीं पढ़ते हैं। वहीं पाम का साइज़ देखेंगे तो ये पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा आ रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, और कभी भी अपने थिंकिंग से, एम्बिशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आप नहीं करते हैं। अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यह यहाँ पर आपका जुपिटर माउंट है, तो आपका जुपिटर माउंट डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में ये आपको ज्ञान सबसे पहले अच्छा देगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटी छोटी शाखाओं में हल्की हल्की सी रेखाओं जो है यहाँ से निकल के शनि की तरफ जा रही है, जो बुढ़ापा बहुत अच्छा देता है। एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन के योग बनाता है, और बच्चों से भी इस कंडीशन में लाभ अच्छा देखने को मिलता है। तो आपका जो जुपिटर है बिल्कुल नॉर्मल और स्पष्ट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, और इस कंडीशन में आपको जन्म स्थान से दूर भी लाभ मिलने के आसार रहेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपका एक तो गुरु से रेखा शनि पर जा रहा है, और शनि से भी रेखाएं निकल के गुरु की तरफ जा रही हैं। तो जब ये वाइस वर्षा योग बनता है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर भाग्योदय अथवा फॉरेन लैंड से जो लाभ है वो देखने को बहुत अच्छा मिलता है। अब आते हैं शनि के ऊपर, तो जो शनि पर्वत है वो भी आपका विकसित ठीक है आपकी, लेकिन भाग्य रेखा उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितना इसको होना चाहिए। जैसा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो भाग्य रेखा प्रारंभ हो रहा है वो केतु के क्षेत्र से हो रहा है, जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स यानी आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। आप जैसे जातक जीवन में कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आते हैं,
अब यहाँ पर ये जो भाग्य रेखा धीरे धीरे कमजोर होता है यहाँ पर जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये भाग्य रेखा इस बात का प्रदर्शन है, इस बात को दर्शा रहा है कि आप कहीं ना कहीं फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपकी भाग्य रेखा में ऐसी कमजोरी आ रही है। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत स्थिति में इसका प्रारंभ हुआ है। आपके जन्म के बाद आपके घर परिवार में भी सुख समृद्धि शांति आई है, और उसके बाद में जब ये भाग्य रेखा ऐसी रुक रुक करके चलने लगे तो जितना अच्छा रिजल्ट इसको देना चाहिए फिर ये नहीं देता है। इसके अंतर्गत फिर हर काम रुक रुक करके वह देरी से बनना प्रारंभ होने लगता है, और फिर जो काम है उसके बीच में रुकावट अड़चन बाधाएं तो आती हैं, वहीं आपके खुद के भी थोड़ा मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके हृदय रेखा के सहयोग में एक अनदर लाइन चल रही है जो कहीं ना कहीं इमोशंस फीलिंग्स में बार बार चेंजेस लेकर के आती है, और यही रीज़न है कि कोई भी काम लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाता है। अब इसका इफेक्ट सूर्य पर भी देखने को मिलेगा। सूर्य है हमारा मान सम्मान इज्जत शोहरत, हमारा रॉयल्टी, और जितना भी सफलता का कारक है वो सब हथेली में सूर्य है। अब आपके हथेली में क्या है कि सूर्य रेखा वी सिंबल से प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत एक से ज़्यादा कला हाथ में देखने को मिलता है अथवा अनेकों क्षेत्रों का जो ज्ञान है वो भी देखने को मिलता है। बस कन्फ्यूज़न इसमें ये हो जाता है कि कौन सा काम कंटिन्यू करें और करियर चॉइस करने में डिफ़िकल्टीज आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो सूर्य रेखा है वो एक स्पष्टता के साथ चल रहा है, और ऐसा ओवरलैप करना अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन के अंतर्गत जो रॉयल्टी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये बढ़ता है। तो उसके अंतर्गत जो नाम इज्जत शोहरत रहन सहन खान पान इन सारी चीज़ों में शुभ परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन क्या है कि अब इसके कंपैरिजन में छोटी छोटी अनेकों रेखाएं हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आपके फोकस में कमी है और आप छोटे छोटे स्तर पर हर एक काम करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो कोई एक काम लंबे समय तक पकड़ना होगा और उसी में आपको स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये जो आपका सूर्य है सबसे शुभ परिणाम देगा, जिसके बाद आपको मान सम्मान के साथ साथ जीवन में जो प्रगति है समृद्धि है प्रसिद्धि है ये सारी चीज़ें फिर देखने को मिलेगा। और यही रीज़न है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ शनि पर भी अनेकों रेखाएं हैं जो इस बात का प्रमाण है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं, और ये मल्टीपल टेम्पररी सोर्सेस ऑफ अर्निंग देता है, अपॉर्चुनिटी अच्छी देता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। इसलिए आपको फोकस अच्छा करना होगा, तब जाकर के आपका भाग्य मजबूत होगा, तब जाकर के आपका जितना भी यहाँ पर सपना है बड़ा व्यापार का, अच्छा लग्जरी कार बंगलों का, ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली फिर रहेगी, फिर उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ऐसे नहीं आएगा। बात करें मरकरी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर अभी आते हैं वापस से क्लोजअप पे पाम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी मरकरी के ऊपर एक से अधिक रेखा है जो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व का निशानी होता है। इस कंडीशन के अंतर्गत एक से ज़्यादा भाषाओं के जानकार देखने को मिलते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी प्रकार का बिजनेस में ग्रोथ मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर बिजनेस के रिगार्डिंग बढ़ा देता है। तो पैसा कैसे बनाना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है, अपने बातों से किसको कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सब नॉलेज बहुत बेहतरीन यहाँ पर ये दे देने वाला रहता है। तो ये मरकरी तो आपको हेल्प कर रहा है बिजनेस में ग्रोथ के लिए पूरी की पूरी तरह से। सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो रहा है, तो इसलिए आपको फोकस अपना अच्छा रखना है। और बाकी हृदय रेखा के अंत में आप देखेंगे तो गोंपूछ की आकृति है, तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना दूसरों के खुशी में शामिल होने जैसे योगों को दर्शाता है, और ये सेवा भाव किस्म का नेचर भी देता है। तो आगे से लेकर के दूसरों की जो है मदद करने वाले भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे। आपकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर आकर के रुकी है, जिसके कारण आप मनी माइंडेड रहेंगे, मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, सुबह उठने के बाद धन और रात को सोने के पहले धन, इसी का पूरा ख्याल आपके दिमाग में चलता रहेगा, और आप बेशक बहुत ज़्यादा धनवान यहाँ पर बनने वाले रहेंगे। बस थोड़ा जो है आपको अपने शनि सूर्य के ऊपर काम करना है, अपार धन ये आपको देने वाला रहेगा। और यहाँ पर एक रेखा ओवरलैप करते जो जुपिटर पर जा रही है, थोड़ा सा भावुकता किस्म का व्यक्तित्व देता है, लेकिन अपनी भावुकता कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, दूसरों के प्रति करुणा दया ये सब आपके अंदर भरपूर देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट लाइन थोड़ा सा फेल करके चल रहा है, तो इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग बीपी के रिगार्डिंग शिकायत आ जाती है, इसीलिए एक्सरसाइज योगा प्राणायाम जैसी चीज़ें करते रहें, बाकी कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइंड लाइन में स्टार्टिंग में एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं बचपन थोड़ा कष्ट में दर्शा रहा है, और फिर माइंड लाइन के ऊपर भी प्रेशर है जो दर्शा रहा है कि उम्र तकरीबन 22-23 तक आपका बड़ा ज़्यादा संघर्ष रहा, मानसिक तकलीफ कष्ट मानसिक जो परेशानी है उसके अंतर्गत आपका जीवन शैली रहा 23 के एज तक, क्योंकि ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिकता के अंतर्गत
थोड़ा तकलीफ़ परेशानी देने वाले ज़रूर रहते हैं, और इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा, तकलीफ़ परेशानी होना, काम ना बनना, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होने जैसे योग यहाँ पर बनने लगते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो आपकी जो प्रोग्रेस लाइन निकलना प्रारंभ हुई वो तकरीबन 25 और 27 के एज से हुई, और माइंड लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट आपका चल रहा है, जिसके कारण आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर्सनैलिटी के हैं, टू द पॉइंट जैसे बात करना सुनना पसंद है, वैसे ही कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम रहते हैं, छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें भी याद रहती है। अब यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन, एकदम फुली स्ट्रॉन्ग सारी की सारी रेखाएं आपके मरकरी के तरफ जा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि आपका पूरा का पूरा जो रुझान है व्यापार की तरफ है, और किसी न किसी व्यापार अथवा व्यापारिक व्यक्ति के द्वारा आप इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। जब माइंड लाइन बिजनेस यानी मरकरी की तरफ झुक रही हो तो इस कंडीशन में बिजनेस के रिगार्डिंग ऑटोमेटिकली इनोवेटिव आइडियाज आते हुए देखने को मिलता है, जिसको अगर आप अप्लाई करें अपने लाइफ में तो ट्रिमेंडस सक्सेस व ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जीवन में कभी भी आप जैसे जातक नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, जरूरियत बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और जब उसमें से ऐसे बायफोर्के के साइन हो तो ये पैसा देने वाले चिन्ह होते हैं, जिसके अंतर्गत पैसा अच्छे से बना पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो तो बहुत स्मूथ चल रहा है, और यहाँ पर आपकी सहयोगी रेखा भी देखने को मिल रही है उम्र तकरीबन 33 के बाद से, जिसके बाद आपको बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए आपकी भाग्य रेखा ने कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो मजबूत स्थिति में नहीं है, तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं तो वहीं का सोचिए, वहीं का काम का सोचिए, इसके अलावा सारे चीज़ छोड़ दीजिए, और अगर सिर्फ लग्जरियस लाइफ की चाहत रख रहे हैं तो वो सिर्फ पैसे के द्वारा होगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस देना, तब आपका भाग्य ये मजबूत स्थिति में आएगा, और बिल्कुल अगर आपने फोकस अपना अच्छा दिया तो निश्चित रूप से आपको ऑस्ट्रेलिया जाना ही है, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरु और शनि का सहयोग आपको मिल रहा है, जो विदेश से धनार्जन देता ही देता है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आर्थिक कष्ट परेशानी, घरेलू तकलीफ परेशानी आपको आई थी उम्र तकरीबन 32 में, उम्र 35 में, और एक जो मानसिक कष्ट प्रताड़ना जो हुआ था वो उम्र तकरीबन 23 से 25 के बीच में हुआ था। बाकी इसके बाद तो कोई ऐसी मेजरली तकलीफ है नहीं। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों देखने को मिलेंगे। शुक्र भी बहुत अच्छा डेवलप्ड है, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। आपकी हथेली में सबसे मजबूत स्थिति में शुक्र है, और शुक्र ही व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ स्टाइल देता है, जिसके अंतर्गत लग्जरी कार, बंगलो, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, और जितने भी शौक हरमान है ये सब फुलफिल कराता है, जिसके अंतर्गत ये शौक इन किस्म का नेचर देता है। अब उस शौक के अंतर्गत दिखावटीपन थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे रॉयल्टी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, तो जिसके अंतर्गत जो पैसा है वो आता तो अच्छा लेकिन रुकता नहीं है, ऐसा शुक्र खर्चे बहुत कराता है। बाकी ये जो सपना है ये आपका निश्चित रूप से कम्प्लीट होगा, लग्जरी कार बंगलों का, क्योंकि शुक्र अच्छा है, लेकिन यहाँ जो आड़ी रेखा ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आप चिंताएं ज़्यादा करते हैं, ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण नेगेटिव थिंकिंग आता है, और इस प्रकार की रेखा को अनावश्यक चिंताएं कहा जाता है, अननेसेसरीज वरीज, बेफिजूल की चिंताएं कहीं ना कहीं लेते हैं, जिसके कारण जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है वो यहाँ डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा करने से बचिएगा। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, इसको जितना हो सके अच्छा यूटिलाइज़ करिए, बड़ी सोच अप्रोच तो आपने रखी है, और बस सिर्फ और सिर्फ मेहनत में, फोकस में थोड़ी कमी है, उसको फुलफिल कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत आना ही नहीं है। वहीं यहाँ देखें तो केतु का जो पोजीशन है बहुत बढ़िया है, धार्मिक यात्रा करिए, उसके द्वारा भी भाग्योदय होगा। हल्की हल्की सी जो ये लाइन क्रिएट हो रही है सब आपकी मरकरी लाइन है, तो ये व्यापार के द्वारा आपको लाभ मिलने के आसार को दर्शा रही है। अभी ये लाइन फुली डेवलप नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर ये हो जाएगी, तो फिर उसका पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी, क्योंकि उस समय फिर मनी ट्रायंगल बन जाएगा आपका। चंद्र वैसे विकसित ठीक है, तो काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता आपके अंदर बहुत बढ़िया है। और वहीं बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के भी बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे कि जीवन शैली में शुभ अशुभ परिवर्तन आ रहा है 42 और 44 के एज के लमसम से, और इसके बाद जीवन में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रॉयल्टी है, वो सारी चीज़ें बढ़ेगी। और शनि के अलावा सूर्य के ऊपर भी दो दो रेखाएँ हैं, जो एक से ज़्यादा मध्यम से धनार्जन के योगों को दर्शाता है, और मरकरी लाइन भी क्रिएटेड छोटा सा ट्रेंगल है, तो इनोवेटिव आइडियाज़ जो आप अप्लाई करेंगे उसके द्वारा आपको धन लाभ अथवा सफलता निश्चित रूप से यहाँ पर मिलने वाला रहेगा।
अब जो है यहाँ पर आप मल्टी मिलियनर बनेंगे, लेकिन क्या है कि सूर्य पर आपके राइट हैंड में जो बहुत ज़्यादा रेखा थी वो फोकस में कमी को दर्शा रहा था, और आप अभी तक जॉब में लगे हुए थे, तो जॉब में इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार जॉब छूटना, फिर कहीं दूसरे काम पर रुझान ध्यान आना, सफलता किसी जॉब में ना मिल पाना, तो इस कंडीशन के अंतर्गत जॉब में ग्रोथ था ही नहीं। इसीलिए आप अपने सूर्य का भी रेमेडी करिएगा, और व्यापार में अब आप जा सकते हैं तो उसके द्वारा भी आपको लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।